महाराज अकबर को अक्सर लगता था कि उसके दरबार में लोग सच्चाई बोलने से कतराते हैं। वह सोचते थे कि उसकी प्रतिष्ठा और सत्ता के चलते लोग उससे सच्चाई छुपाते हैं। वह एक दिन बीरबल से बोले, बीरबल, मुझे लगता है कि मेरे दरबार में कोई भी सच्चाई नहीं बोलता, सभी मेरी खुशी के लिए झूठ बोलते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्या आप मुझे एक प्रयोग करने की अनुमति देंगे? महाराज अकबर ने हाँ कह दी। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा पानी का टंकी लगवाया और उसमें अनगिनत मछलियाँ डाल दी। उसने फिर सभी दरबारियों से कहा कि वे अगले दिन सुबह सुबह टंकी के पास आएं और एक एक मछली पकड़कर उसे बाहर निकाल दें। लेकिन यह कार्य उन्हें अकेले में बिना किसी को देखे करना है। अगले दिन एक एक करके सभी दरबारी टंकी के पास गए और वहां कुछ किया और वापस आए। जब सभी लोग वापस आ गए तो बीरबल ने टंकी का जायजा लिया और देखा कि टंकी में अभी भी कुछ मछलियां तैर रही थी। बीरबल ने महाराज अकबर से कहा, महाराज, जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी दरबारियों में से कुछ लोग आज भी सच्चाई पर चलते हैं। वे आज भी मेरे द्वारा दिए गए आदेश को नकारते हुए सच्चाई को मानते हैं। महाराज अकबर को यह समझ में आ गया कि सच्चाई को समझने के लिए हमें कभी कभी अद्वितीय तरीके अपनाने पड़ते हैं। एक दिन महाराज अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार जीवन में तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, महाराज, मेरे अनुसार जीवन की तीन महत्वपूर्ण बातें यह हैं, समय, विश्वास और संघर्ष। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, समय हमारे पास सीमित होता है महाराज। जो समय एक बार चला गया वह वापस नहीं आता, इसलिए हमें हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। और विश्वास? महाराज अकबर ने पूछा, विश्वास ही हमारे रिश्तों की मजबूती है। एक बार विश्वास टूट जाए तो रिश्ते भी टूट जाते हैं, बीरबल ने जवाब दिया। और तीसरी बात संघर्ष? महाराज अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, संघर्ष हमें जीवन की सच्चाई और असलीता से रूबरू करवाता है। जो व्यक्ति संघर्ष से डरता है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। महाराज अकबर को बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित होते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे जीवन की सच्चाई का एहसास करवा दिया। आगरा के महल में एक दिन अकबर और उसके मंत्री बैठे हुए थे। अचानक अकबर ने एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे जीवन का असली मूल्य बता सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, महाराज, मैं आपको अब जवाब नहीं दे सकता, लेकिन कल सुबह तक मैं जवाब ला दूंगा। अगली सुबह बीरबल महाराज को एक अजनबी व्यक्ति के पास ले गया जिसका नाम मोहन था। मोहन एक साधारण गांव वाला था जो अपने परिवार के लिए रोज खेती काम में व्यस्त रहता था। बीरबल ने मोहन से कहा कि वह महाराज अकबर को अपने जीवन की कहानी सुनाए। मोहन ने कहानी शुरू की, महाराज, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। मेरा जीवन रोज की तरह खेती में बीतता है। मैं अपने परिवार के लिए अन्न उपजाता हूँ। मेरी पत्नी और मेरे तीन बच्चे हैं। हम बहुत ही खुश हैं। मोहन ने अपने जीवन की चुनिंदा घटनाएं सुनाई, जैसे कि जब उसका पहला बेटा पैदा हुआ था, जब वह अपने खेत में पहली बार फसल लगाई थी, जब उसकी पत्नी ने उसे पहली बार खाना बनाकर खिलाया था। महाराज अकबर ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने मोहन से पूछा, तुम्हें अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या लगता है? मोहन ने जवाब दिया, महाराज, मेरे लिए मेरे परिवार की खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब मेरे परिवार के लिए है। महाराज अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, अब मुझे समझ में आ गया कि जीवन का असली मूल्य क्या है। जीवन का मूल्य उसमें छुपे हुए छोटे छोटे पलों में है जिन्हें हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, सही पकड़े महाराज। आगरा के राजमहल में एक समय हर जगह चर्चा हो रही थी कि असल में सच्चा मित्र कौन होता है। महाराज अकबर ने अपने सभी दरबारियों से यह सवाल पूछा, लेकिन हर कोई अलग अलग जवाब दे रहा था।
अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज अगर आप अनुमति दें तो मैं एक छोटी सी प्रस्तुति करूंगा, जिससे सबको सच्चे मित्र का अर्थ समझ में आएगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने दो युवकों को बुलवाया, अमर और विजय। दोनों एक ही गांव में रहते थे और दोनों को आपस में अच्छी दोस्ती थी। बीरबल ने उनसे कहा कि वे दोनों एक दिन के लिए जंगल में जाएं और वहां से कुछ सीखकर लौटें। दोनों युवक जंगल में गए। जंगल में वे एक संघर्ष में पड़ गए। एक बार विजय एक नदी में फंस गया और अमर ने अपने जीवन को खतरे में डालकर उसे बचाया। जब वे वापस दरबार में पहुंचे, बीरबल ने पूछा, तुम्हारा अनुभव कैसा था? अमर ने कहा, मैंने समझा कि सच्चे मित्र वह है जो आपकी मुश्किल में आपका साथ दे। विजय ने भी सहमति दी, हाँ अमर ने मेरी जान बचाई, मैं अब समझता हूँ कि सच्चा मित्र कौन होता है। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने सभी को सच्चे मित्रता का असली मतलब समझाया। और इस तरह अकबर और उसके दरबारी समझे कि सच्चे मित्र वह हैं जो मुश्किल समय में भी आपका साथ देते हैं। आगरा के राजमहल में एक दिन एक बड़ी सभा का आयोजन हुआ। महाराज अकबर ने अपने सभी प्रदेशों के प्रमुखों को बुलवाया था। सभा में सबसे बड़ी चर्चा थी कि किस प्रदेश में सबसे अधिक प्रगति हो रही है। अकबर ने प्रत्येक प्रदेश के प्रमुख से सुनिश्चित किया कि वे अपने प्रदेश की प्रगति की सूचना दें। एक बाद एक सभी प्रमुखों ने अपने प्रदेश की प्रगति के बारे में बताया। जब सभी प्रमुखों ने अपनी बात कह ली तो बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज मुझे एक प्रदेश का जिक्र करना है जिसमें अद्भुत प्रगति हुई है, लेकिन उस प्रदेश का प्रमुख यहाँ नहीं है। अकबर ने पूछा, वह कौन सा प्रदेश है और उसका प्रमुख क्यों नहीं आया? बीरबल ने कहा, वह प्रदेश है अनजान और उसका प्रमुख यहाँ नहीं है क्योंकि वह अपनी पहचान छुपाए रहता है। सभा में चर्चा होने लगी कि ऐसा कैसे संभव है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह अधिक जानकारी प्रदान करे। बीरबल ने कहा, महाराज अनजान वास्तविक रूप में एक प्रदेश नहीं है, लेकिन उसका प्रमुख हमारे बीच में ही है। वह व्यक्ति है जो चुपचाप अपना कार्य करता है, प्रशंसा की उम्मीद ईद किए बिना। वह व्यक्ति है जो हमें दिखाए बिना समाज में अच्छा कार्य करता है। अकबर ने समझा कि बीरबल उससे क्या कहना चाहता है। वह उस अनजान व्यक्ति की प्रशंसा करने लौटा जो अपनी पहचान छुपाए अच्छा कार्य करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह जानकार हो या अनजान। अकबर के दरबार में एक दिन वह चिंतित नजर आए। उसकी आंखों में चिंता और सोच का संकेत साफ दिखाई दे रहा था। बीरबल ने देखा और उसने महाराज से पूछा, महाराज आप चिंतित क्यों हैं? अकबर ने उत्तर दिया, बीरबल मुझे एक सपना आया था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है वह सपना मेरे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। बीरबल ने पूछा, आपने सपने में क्या देखा? अकबर ने कहा, मैंने देखा कि मैं एक अजनबी जंगल में हूँ और एक सुनहरा पंछी मुझे कुछ दिखा रहा है। जब मैं उस पंछी के पीछे जा रहा था तो मुझे एक सुनहरी मुद्रा मिली। मुझे लगा कि वह मुद्रा मेरे लिए किसी अद्भुत रहस्य की कुंजी है। बीरबल ने सोचा और बोला, महाराज सपने हमें हमारी अवबोधना, चिंताओं और आकांक्षाओं का संकेत देते हैं। शायद आपके सपने का अर्थ है कि आपको अपनी जीवन में एक नई खोज, एक नई चुनौती की तलाश है। अकबर ने कहा, पर वह सुनहरी मुद्रा का क्या अर्थ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वह सुनहरी मुद्रा आपको यह दिखा रही है कि जब भी हम नई चुनौतियों का सामना करते हैं तो उसमें एक सुनहरा अवसर छुपा होता है। अकबर की आंखों में प्रकाश आया और उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। वह समझ गया था कि सपने केवल हमें हमारी अंतरात्मा की बात सुनाने के लिए आते हैं और हर सपना हमें कुछ सिखाता है। एक समय की बात है, अकबर बादशाह और उनके मंत्री बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर के सामने एक चमकदार हीरा रखा हुआ था।
वह हीरा इतना सुंदर था कि उसकी चमक दरबार को रोशन कर रहा था। बीरबल, अकबर ने कहा, यह हीरा देखो, इसे मैंने एक दूर देश से प्राप्त किया है। इसकी कीमत अनगिनत सोने की बराबर है। बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा और कहा, महाराज, यह हीरा निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान है, लेकिन इसकी असली कीमत उस खान में है जहां से यह प्राप्त हुआ है। अकबर थोड़ा चिंतित हुआ और पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, महाराज, हर हीरे का जन्म गहरे पानी में होता है और वह अपनी चमक को प्राप्त करने के लिए कई सालों तक उस अंधेरे में रहता है। जब हम उसे प्राप्त करते हैं, हम सिर्फ उसकी चमक को देखते हैं, लेकिन हम उसके पीछे की कठिनाइयों और संघर्ष को नहीं देख पाते। इसलिए बीरबल ने जारी रखा, हमें चाहिए कि हम किसी भी चीज की केवल सतही चमक को नहीं, बल्कि उसके पीछे की कठिनाइयों और संघर्ष को भी महसूस करें। अकबर ने समझा कि बीरबल किस बारे में बात कर रहे हैं और उसने धन्यवाद किया। वह समझ गया कि सच्ची महत्वपूर्णता चीजों की सतही चमक में नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे संघर्ष में होती है। मुगल सम्राट अकबर को अपनी राजधानी में सबसे अद्वितीय और महत्वपूर्ण वस्त्र या चीज प्राप्त करने की इच्छा हुई। वह चाहता था कि वह वस्त्र दुनिया में कहीं और न हो। वह अपने सभी दरबारियों से बोला कि जो भी उसे ऐसा एक अद्वितीय वस्त्र दिलाएगा, उसे उसके सम्राट के खजाने में स्वर्ण की बरसात मिलेगी। दरबारियों में हलचल मच गई। हर कोई अन्यतम और अद्वितीय वस्त्र ढूंढने में जुट गया। कुछ दिनों बाद एक दरबारी ने एक सुनहरी मुर्गी प्रस्तुत की जो सोने के अंडे देती थी। एक अन्य ने एक चमकदार पत्थर लाया जो अंधेरे में प्रकाशित होता था। लेकिन बीरबल ने एक बड़ा सुंदर और स्पष्ट आईना लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह आईना क्यों और कैसे अद्वितीय है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह आईना आम आईना नहीं है, यह सच्चाई का आईना है। जो व्यक्ति सच्चाई में खड़ा होता है, वही अपनी प्रतिमा इसमें देख सकता है। जो झूठा है, उसकी प्रतिमा इसमें नहीं दिखती। सभी चौंक गए। अकबर ने आईने के सामने जाकर अपनी प्रतिमा देखी और उसे स्पष्ट रूप से देख सका। फिर उसने अपने कुछ दरबारियों को भी आजमाने के लिए कहा। कुछ की प्रतिमा दिखाई दी, लेकिन कुछ की नहीं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी सोच कितनी गहन है। यह आईना सच में अद्वितीय है। बीरबल मुस्कराया और कहा, महाराज, सच्चाई हमेशा अद्वितीय होती है। राजधानी में सुनी गई एक अफवाह थी कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक अनमोल गहना रखता है, जिसे देखकर किसी की भी आंखें चकित हो जाती है। इसे सुनकर अकबर की इच्छा हुई वह गहना देखने की। वह बीरबल से उस गहने को लाने के लिए कहा। बीरबल उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और उस अनमोल गहने को देखने की बात कही। वह बूढ़ा व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, यह गहना वास्तविक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक गहना है। बीरबल कुछ समझ पाए बिना उससे वह गहना देखने की प्रार्थना की। बूढ़े ने एक खाली पेटी को खोलकर उसमें से एक पुरानी टूटी हुई माला निकाली और बीरबल को दिखाई। बीरबल अचंभित हो गए। यह कैसे अनमोल है, उन्होंने पूछा। बूढ़ा व्यक्ति बोला, इस माला को मैंने अपने जीवन के सभी अच्छे कार्यों, संघर्षों और जीवन की सभी सीखों की याद में रखा है। इसके हर मोती मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण पल प्रतिबिंबित करता है। बीरबल को समझ में आ गया कि असली गहना वास्तविक गहने में नहीं, बल्कि हमारे जीवन की उपलब्धियों, संघर्षों और संविधानों में है। वह वापस महल पहुँचे और सम्राट अकबर को पूरी कहानी सुनाई। अकबर समझ गए और बोले, बीरबल, तुम हमें हर बार एक नई दृष्टिकोण से जीवन को देखने का तरीका सिखाते हो, धन्यवाद। राजमहल की दीवारों में एक रोज सुनाई दी गई कहानी थी कि राजधानी से कुछ मील दूर एक गांव था, जहां एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर में एक अनमोल रत्न छिपा हुआ था। लोग कहते थे कि जो भी उस रत्न को पास लाएगा, उसे अदृश्य शक्तियों की प्राप्ति होगी।
अकबर इस कहानी को सुनकर रोमांचित हो गए और उन्होंने तय किया कि वह खुद इस रत्न को खोजेंगे। वह बीरबल के साथ इस खोज में निकल पड़े। गांव पहुंचते ही उन्होंने सुना कि वह मंदिर अब खंडहर में बदल चुका था और उसका प्रवेश द्वार अब किसी भी समय गिर सकता था। लेकिन राजा अकबर की उम्मीदें टूटी नहीं और वह बीरबल के साथ मंदिर में प्रवेश करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह मंदिर में प्रवेश किया, वह अंधकार महसूस हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक धीमी ज्योति की चमक देखी जो उस अनमोल रत्न से आ रही थी। जब वह रत्न के पास पहुँचे तो वह देख पाए कि वह रत्न वास्तव में एक पुराना मूर्तिकृत स्तंभ था जिस पर एक सुंदर चित्र उकेरा गया था। बीरबल ने ध्यान से उस चित्र को देखा और समझा कि वह चित्र जीवन के चक्र का प्रतीक था। उस चित्र में जीवन की सभी उपलब्धियों, संघर्षों और अनुभवों की कहानियां छुपी हुई थीं। अकबर और बीरबल ने समझा कि असली रत्न वह नहीं था जिसे वे ढूंढ रहे थे, बल्कि वह ज्ञान था जो इस प्राचीन स्तंभ में छिपा हुआ था। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उन्हें अपने आप को समर्पित करना होगा और जीवन के उस चक्र को समझना होगा। अकबर और बीरबल ने तय किया कि वह वहां एक नया मंदिर बनाएंगे जिसमें वह स्तंभ सुरक्षित रखा जाएगा और वह गांव में ज्ञान का महत्व सिखाएंगे। राजधानी में हर साल एक विशाल मेला लगता था। इस बार के मेले में एक अजनबी व्यापारी अपनी दुकान पर एक जादुई तलवार प्रदर्शित कर रहा था। वह कहता था कि जो भी इस तलवार को सही तरीके से प्रयोग करता है उसे अपार शक्तियाँ प्राप्त होती है। राजा अकबर और बीरबल भी मेले में मौजूद थे। अकबर को तलवार पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बीरबल थोड़ा जिज्ञासु हो गया। व्यापारी ने तलवार की कीमत सुनाई और बीरबल ने तलवार खरीद ली। रात को बीरबल ने तलवार को समझने की कोशिश की और उसे उठाकर देखा। तभी तलवार ने उससे कहा, तुम्हें मेरी शक्तियों का सही उपयोग करना होगा। बीरबल हैरान था। अगले दिन जब वह दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने राजा अकबर से कहा कि वह तलवार सच में जादुई है। अकबर ने चुटकी भरी और कहा, अगर यह सच है तो मुझे दिखाओ। बीरबल ने तलवार को उठाया और उसे दिखाया कि कैसे तलवार की मदद से वह अनेक जादुई कार्य कर सकता है। लेकिन जब अकबर ने तलवार को छूने की कोशिश की तो तलवार उसे छूने नहीं दी। बीरबल ने समझाया कि तलवार की शक्तियाँ उसके विश्वास और निष्ठा पर निर्भर करती है। अकबर को यह समझ में आ गया कि वास्तविक शक्ति विश्वास में है और वह तलवार की अद्भुतता को मानने लगा। इस घटना से दरबार में सभी को यह सीखने को मिला कि विश्वास और निष्ठा ही असली जादू है। एक बार की बात है, दिल्ली के सुल्तान अकबर ने सुना कि उनके साम्राज्य के सबसे दूरदराज के गांव में एक भयानक शेर आया है जो वहां के लोगों को बहुत परेशान कर रहा था। वहां के लोग उस शेर से इतने डर गए थे कि वे अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे। अकबर ने तय किया कि वह खुद उस गांव जाकर शेर का सामना करेंगे। उसने अपने सबसे विश्वस्त मंत्री बीरबल को भी अपने साथ ले लिया। दोनों ने घुड़सवारी करते हुए उस दूरदराज के गांव की ओर रवाना हो गए। जब वे गांव पहुंचे, तो देखा कि गांव का माहौल बहुत ही भयावह था। लोग अपने घरों में बंद थे और सड़कों पर सन्नाटा था। अकबर और बीरबल ने गांव वालों से बातचीत की और उन्होंने जाना कि शेर हर रोज गांव के पास के जंगल से आकर लोगों को सता रहा है। अकबर ने तय किया कि वह खुद शेर की तलाश में जंगल में जाएंगे। बीरबल ने भी उनका साथ दिया। दोनों ने हथियार लेकर जंगल की गहराइयों में प्रवेश किया। घंटों तलाश के बाद उन्हें वह भयानक शेर मिला। शेर ने उन्हें देखते ही हमला कर दिया, लेकिन अकबर ने धैर्य बनाए रखा। उन्होंने अपने तीरधनुष से शेर की दिशा में तीर चलाया जो कि सीधा उसके दिल में लगा। शेर वहीं पर मर गया। गांव वालों ने जब यह खबर सुनी कि शेर मर चुका है, तो वहां खुशी का माहौल हो गया। सभी लोग बाहर आए और अकबर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अकबर और बीरबल को अपने साहस और धैर्य के लिए सराहा।
इस प्रकार अकबर और बीरबल ने न केवल उस गांव के लोगों की जान बचाई बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि साहसी होकर ही हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकते हैं।